और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब बल्लभगढ़ के दौरे पर, और बल्लभगढ़ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सौगातें यहां पर दी हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुषमा स्वराज के नाम पर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। महिला दिवस पर 5 लाख रुपए से एक महिला को सम्मानित किया जाएगा। बल्लभगढ़ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी, और इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के लिए एक और बड़ा ऐलान इस मौके पर किया। सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान किया गया है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री भी रही हैं दिल्ली की, और एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। और उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि हरियाणा से उनका, हरियाणा की बेटी थी सुषमा स्वराज, तो इसीलिए उनका, उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, पुरस्कार का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया गया है। सुषमा स्वराज के नाम पर अब पुरस्कार की घोषणा की गई है, और यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाएगा महिला दिवस पर जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया होगा। 5 लाख रुपए इनाम होगा जिस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए यह बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बल्लभगढ़ दौरे पर बल्लभगढ़ को कई सौगातें दी, महिला कॉलेज की बिल्डिंग, लघु सचिवालय, रौने की छतरी, ये कई बड़ी सौगातें तो दी ही। इसके बाद जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान ये बड़ा ऐलान किया है सुषमा स्वराज पुरस्कार को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुषमा स्वराज के नाम पर अब पुरस्कार की घोषणा जो है वो की गई है। हरियाणा में सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाया करेगा। एक अच्छा दिन, एक स्मरणीय दिन, स्नेहा की 3 परियोजनाएं 22 करोड़ रुपए की, इनके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए जा रहे हैं, और उसमें पहला जो स्थान जहां बैठे हैं लघु सचिवालय, और ये भी एसडीएम सर के क्षेत्र का लघु सचिवालय, जब मैं अंदर देख करके आया हो तो बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, जैसे वास्तव में डीसी के सचिवालय के बराबर ये हो गया हो। मैंने उस समय कह दिया था, और मेरे कहने की देर थी, और पीछे पीछे से कहा कि नहीं, ऐसे सब डिविजन तो हमारे और भी है, सब जगह ऐसे ही कार्यालय होने चाहिए। अब एक बनवाओ तो फिर साथ में सारे लग जाते हैं, हमारे सब डिविजन का कार्यालय ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, आगे बढ़ते को देख करके अगर मन में कंपटीशन हो कि हमको आगे बढ़ना है, तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। साथ ही फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो एक योजना 2 साल पहले बनी थी, और इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, आज उस कॉलेज का, छात्राओं के कॉलेज का उद्घाटन किया गया, और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उसका नाम हमारी नेत्री, हरियाणा की बेटी बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से उसका नाम रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आदि में अधिकारियों से बात कर रहा था, हमारा